दोस्तों, अगर हम सबसे पहले मार्केट के ऊपर एक नज़र डालें तो इस वक्त BTC 40,000 प्लस में है, जबकि BTC ने एक मेजर मार्क जो था 41,000 का उसको क्रॉस किया और अबाउट 41,300 41,400 डॉलर तक गया। और अलॉन्ग विद BTC इस वक्त जब हम लोग मार्केट को जाके देखते हैं तो तकरीबन सारे के सारे आल्टकॉइंस जो हैं वो थोड़े 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 पंप की तरफ जा रहे हैं इस वक्त, जबकि हकीकत यह है कि आज जिस तरह हमें पता है कि 16 मार्च है, तो आज के दिन में जो मुकम्मल प्रेस रिलीज है ऑफ FED वो बेसिकली आउट होनी है शाम तक हमारे टाइम के मुताबिक। तो उसके बाद जाके ही ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनकी जो एक सही रेशो है, सही तरीकाकार है कि भाई अब किस तरफ जा सकती है मार्केट, वो सब चीज़ें जो हैं वो आज शाम को क्लियर हो जाएंगी। और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये एक बुल ट्रैप है। बुल ट्रैप से मुराद ये है कि हमेशा मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता हूँ कि एक्सचेंजेस को फ़ायदा कहाँ पे होता है कि जब सारी दुनिया अपनी शॉर्ट पोजीशंस को ख़त्म करके, मतलब कि जब जब ज़्यादातर लोग जो हैं वो लॉन्ग पोजीशंस की जानिब हों, वहाँ पे उनको लिक्विडेट करके ज़्यादा फ़ायदा होता है एक्सचेंजेस को। तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक यही सारा सीन हो रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता इन फ्यूचर। आज शाम तक ही हम लोगों को क्लियर पिक्चर जो है हमारे सामने आ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, आप लोगों के लिए एक पॉसिबल एयर ड्रॉप है वो भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, जो कि हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा देके जा सकता है। मगर उससे पहले कुछ अच्छी न्यूज़। भाई, बहरीन में बाइनेंस एक्सचेंज को एक लाइसेंस मिल चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन से, और वहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि भाई एक मुकम्मल लाइसेंस मिला है जिसके ज़रिए बाइनेंस एक्सचेंज जो है एक सॉलिड एक्सचेंज बनती जा रही है डे बाई डे। और साथ ही साथ मज़े की चीज़ ये है कि UAE में भी बहुत जल्द बाइनेंस एक्सचेंज जो है अपना लाइसेंस इस वक्त लेने के लिए बागडोर कर रही है। तो पॉसिबल है कि भाई इस चीज़ का डायरेक्टली इफेक्ट जो होगा वो ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट पे होगा बल्कि उसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा जो मेजर इफेक्ट होगा वो एक आल्ट कॉइन के ऊपर होगा, और उस आल्ट कॉइन का नाम है BNB। तो खैर, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस भी आने लग पड़ी हैं जी BNB के हवाले से कि भाई BNB जो है ये बहुत जल्द हम लोगों को 900 या 1,000 डॉलर का नज़र आएगा। इस वक्त इसकी प्राइस 370 के करीब करीब है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। खैर, एक लाइसेंस ऑलरेडी बाइनेंस को मिल चुका है स्पेशली इन द GCC कंट्रीज, और उम्मीद की जा रही है जैसा कि कुछ ट्वीट्स चल रहे हैं पिछले कोई 3 दिनों से कि भाई बाइनेंस एक्सचेंज को UAE में भी बहुत जल्द लाइसेंस मिलेगा, और वो लाइसेंस ना सिर्फ फॉर द UAE स्पेसिफिकली बल्कि पूरी GCC कंट्रीज जो कि 7-8 कंट्रीज हैं तो वहाँ पे भी वो लाइसेंस जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब लीगलाइजेशन। तो खैर, ये एक अच्छी न्यूज़ आ रही है जी कि ऑलरेडी इसको लाइसेंस मिल गया बहरीन से। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ और न्यूज़ की जानब चाहें तो हाँ जी, यहाँ पे जी बार्ट सिम्पसन पैटर्न ड्यूरिंग थिनली ट्रेडेड एशियन सेशन। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इस वक्त न्यूज़ चल रही है कि भाई ये जो एकदम से BTC इतना ज़्यादा पंप हुआ इसके पीछे क्या रीज़न है। तो खैर, मैं तो बार 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 ये कहूँगा कि भाई ये एक फेक पंप है और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सारों को लिक्विडेट करने के लिए है। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता। हम लोग चलते हैं अपनी मेजर मेजर न्यूज़ की जानिब। मगर उससे पहले एक आप लोगों को इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ कि इस एयर ड्रॉप जो पॉसिबल एयर ड्रॉप है इसको हासिल करने के लिए आप लोगों को दो काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों के पास मेटामास्क होना ज़रूरी है। मेटामास्क में जाने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पे एक ब्लॉकचेन को ऐड करना है, इसका नाम है मेटिस ब्लॉकचेन। तो आप लोगों को वहाँ पे क्या करना होगा, नेटवर्क नेम में मेटिस लिख दीजिएगा सिंपल, और नेटवर्क URL में ये आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा कमेंट सेक्शन में, चेन ID जो है वो लिखो 1088। उसके बाद आपने करेंसी सिंबल में मेटिस लिख दो। उसके अलावा ब्लॉक एक्सप्लोरर URL जो है वो बेसिकली आपने लिखना है एंड्रोमेडा डैश एक्सप्लोरर डॉट मेटिस डॉट आई ओ। ये आपको डिटेल जो है मुकम्मल मिल जाएगी हमारे कमेंट सेक्शन में, इसको मैं पिंट कर दूंगा। तो आप लोगों ने सिंपली सबसे पहले तो इसको कर लेना है ऐड। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जी मेटिस टोकन की इस वक्त प्राइस है तकरीबन तकरीबन 145 डॉलर यानी कि 145 डॉलर के करीब करीब, और 3 मिलियन के करीब इसकी सप्लाई इस वक्त चल रही है। अब हम लोग इसकी एक्सचेंजेस देख लेते हैं कि कहाँ से आप लोग इसको बाय करो। आप लोग यूनिस्वैप से भी इसको बाय कर सकते हो यार, वैसे एक्सपेंसिव पड़ेगा, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ी देनी पड़ेगी इसकी। तो खैर, और मैं देखता हूँ कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज जी, gate.io से बाय करो, gate.io से बाय करो, OKX से बाय करो, क्यूकॉइन से बाय करो, इनमें से किसी भी एक्सचेंज से थोड़ा सा मेटिस जो है बाय करो। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि मेटिस ब्लॉकचेन पे इस वक्त जो विदड्रॉल्स हैं वो मेरा ख्याल है इस वक्त क्यूकॉइन जो है वो दे रहा है मेटिस ब्लॉकचेन के ऊपर। तो वहाँ से ही आप लोग अगर बाय करके इसको विदड्रॉ करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब आप लोगों को करना क्या होगा वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये जी आपके सामने मैं ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिकली टेथिस, टेथिस इज बेसिकली डेक्स प्लेटफॉर्म फॉर द मेटिस ब्लॉकचेन। इस कॉइन, ये इनका अपना कॉइन भी है टेथिस। मैं ये नहीं कह रहा कि टेथिस को ही बाय करो, इस पे कोई भी छोटी मोटी आप लोगों ने ट्रेड मारनी है टेथिस पे, क्योंकि जब हम लोग इनको जाके रेडिट पे जाके इनकी पिछली कुछ डिस्कशंस को जाके चेक करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ समझ आती है कि कुछ ना कुछ ये लोग रिवार्ड करने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत जल्द से मुराद ये है कि शायद हम लोगों को आजकल में ही या कुछ दिनों में ही हम लोगों को कुछ ना कुछ रिवार्ड इनसे मिल जाए। अब रिवार्ड के हवाले से जब लोग इनसे बात कर रहे थे बार 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 बार, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हमारा रिवार्ड काफ़ी अच्छा होगा। तो वहाँ पे फिर आपको पता है ना, लोग आगे से आगे सवालात करते हैं, भाई $100 का होगा, 150 का होगा, 300 का होगा, कितने का होगा। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि $300 तक का रिवार्ड मिल सकता है। तो खैर जी, आप लोगों ने जिस तरह सबसे पहले ऐड कर लिया मेटामास्क में, करने के बाद अब आप लोगों ने टैथिस के ऊपर आ जाना है। आने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 0.2 मेटिस जो है वो अगर लेकर आते हो, तो खैर ये बहुत अच्छा रहेगा। ये आप यहाँ पे कोई अबाउट अबाउट 7 टेथिस जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे, तो इट्स मोर देन इनफ। खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप लोग अपना 0.2 लेकर आओ या 0.1, इसमें किसी किस्म की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग अगर 0.05 भी ले आते हो तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। सिर्फ और सिर्फ मेटिस यहाँ पे लेकर आना है और कोई भी ट्रेड यहाँ पे कर दीजिएगा। यहाँ पे कुछ और भी कॉइन्स मौजूद हैं, एवेक्स है, सीआरवी है, डीएआई है, एफटीएम है, तो इनमें से कोई भी कॉइन जो है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ कोई छोटी मोटी ट्रेड जो है वो यहाँ पे मारनी है टेथिस पे, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर द पॉसिबल एयर ड्रॉप। तो ये एक अच्छी चीज़ साबित हो सकती है टेथिस का लिंक। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ जो दूसरा जो चीज़ शेयर करूंगा, जो दूसरी चीज़ होगी वो बेसिकली होगी मेटिस को ऐड करने का तरीकाकार, और उसके अलावा टेथिस फाइनेंस का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे आके कोई छोटी मोटी ट्रेड मारो, और मैं बार 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 क्लियर कर रहा हूँ, कोई मिनिमम ट्रेड की मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई इतनी ही अमाउंट का करोगे तो ही काम बनेगा। छोटी मोटी कोई भी अमाउंट का अगर कर लोगे तो यू विल बी एलिजिबल, तो लाजमी इसको ट्राई मारो। उसके अलावा मजीद अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा बार बार। और अगर आजकल आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन हमेशा आप लोगों के लिए ओपन छोड़ता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ सवालात करो और मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रेक्शन आप लोगों के साथ पैदा कर सकूँ। बहुत शुक्रिया।